आजकल सब प्रकार में मेरा नाम रवि, मैं आपके मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूँ। तो अब एक और सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। सीरीज क्या है, तो हमारा चैप्टर का थीम ही था, हम स्टार्ट कर दिए मैथमेटिक्स। हम इसमें आपको डेली 5 क्वेश्चन कराएंगे और इस सारे के सारे 5 क्वेश्चन पेपर में आए हुए होंगे, ना कि किसी बुक से। और इन्हें कराने के मैं आपको डुअल अप्रोच कराऊंगा। सबसे पहली अप्रोच तो कंसेप्ट और दूसरी अप्रोच ट्रिक या फॉर्मूला, जो भी होता है, ठीक है ना। और मैं चैलेंज देता हूं और मैं आपको अश्योरेंस देता हूं कि अगर आप इसके सारे क्वेश्चन करते हैं इस पूरी सीरीज के, तो आपने बेसिक मैथ का फंडामेंटल ना पढ़ाओ, बेसिक मैथ्स का फंडामेंटल ना पढ़ाओ, फिर भी आपके एग्जाम में 20 में से 10 से 12 15 सही होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये DSSS के लिए, और 10 में से, अच्छा इसमें तो आते नहीं है, 20 में से 12 15 सही होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं इसे सॉल्व करा रहा हूं तो मैं सिर्फ ट्रिक से नहीं करा रहा, मैं कंसेप्ट से भी करा रहा हूं। और अगर आप डेली 5 कंसेप्ट सीखोगे तो सोचो 1 महीने में 150 कंसेप्ट और 2 महीने में 300 कंसेप्ट, ठीक है ना। चलो, इसे पाइप एंड सिस्टर्न कहते हैं। कह रहा है कि एक पाइप ए और एक पाइप बी है, ये 6 घंटे में भर देता है और ये 9 घंटे में भर देता है। दे ओपन अल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर, एक एक घंटे के लिए पलट पलट के खोल रहे हैं, कभी ए को कभी बी को, स्टार्ट कर रहे हैं इसे। तो ए पी 6 घंटे 9 घंटे, इनका एलसीएम 18, 6 3 18, 9 2 18। अब देखते रहना, यानी कि ए 1 घंटे में 3 भर रहा है ऐसे समझ लो, और भरना कितना 18, और बी 1 घंटे में 2 भर रहा है। वॉल्यूम समझ लो, कुछ समझ लो, कैसे भी समझ लो। स्टार्ट करना है ए से, तो पहले ए ने 3 भरा होगा, फिर बी ने 2 भरा होगा 5, फिर ए ने 3 भरा होगा, बी ने 2 भरा होगा 10, ए ने 3 भरा होगा, बी ने 2 भरा होगा 15। अब किसकी बारी आ गई? ए की। और ए कितना भरेगा? 3। और गिनो, 10 5 5 10 5 15 और 3 18। और इत्तिफाक से ये भी क्या था? 18। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, या घंटे में देख रहे हैं तो 7 घंटे। हम लोग इसे ऐसे करते हैं कि 2 घंटे बराबर 10, 10 हो, सॉरी, आ 2 घंटे बराबर 5। तो अब हम इसे गुणा करेंगे, हमें इसे 18 के बराबर बनाना होता है। तो 5 के पहाड़े में 18 तो आता नहीं है, लेकिन उससे छोटा नंबर 15 आता है, तो पहले 3 से गुणा कर देंगे। तो 6 घंटे बराबर 15। अब आपको पता है 18 करना हो कितना गया? 15। 3 की और जरूरत है, और हम पेयर में चल रहे हैं, ए बी वाले पेयर में। तो अगला नंबर किसका आएगा? ए का ही आएगा। और ए कितना कर रहा है घंटे में? 3। तो फिर 1 घंटे में ए कितना करेगा? 3। तो 18 पूरा हो गया, और यहां पे क्या हो गया? 7। अब मान लो ये, सपोज 18 की जगह ये मान लो 20 होता, सपोज सपोज सपोज। चलो छोड़ो, काम का गलत, मेरे को तो बहुत कुछ आता, लेकिन वो ये ना, आप कितना अलाउ करते हैं। तीन डिस्काउंट है, 20%, 10%, 15%। ओवरऑल डिस्काउंट बता रहे हैं कितना होगा। तो ओवरऑल का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ए प्लस बी माइनस ए बी बाय 100, ये ओवरऑल डिस्काउंट का था। और वैसे ओवरऑल का एक्चुअल फॉर्मूला था ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ये सिर्फ किसके लिए? सिर्फ डिस्काउंट के लिए। माइनस क्यों आया, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, आप चाहे तो ये फॉर्मूला लगा दो पहले इन दो के लिए। कैसे? 20 जमा 10 माइनस 20 गुणा 10 बटे 100, 30 माइनस 2, 28। अब 28 और 15 के लिए लगा दो, 28 जमा 15 माइनस 28 गुणा 15 जमा 100, 8 5 13 33, 43 माइनस 28 दाम 280, 8 5 40 की 0, 80 लोगों 4, 8 5 10, 4 14 भाग 100,
4.2। तो अब आप इसे माइनस करोगे और आपको क्या मिल जाएगा, चार मिल गया ना, 38.8। अब दूसरा तरीका देख लो, अगर कोई चाहता है दूसरा तरीका, तो उस दूसरे तरीके लिए क्या आपको क्या करना है, 100 मान लो प्राइस, 20% डिस्काउंट, तो अब कितने की हो गई 80, 10% डिस्काउंट, तो 80 का 10 होता है 8, तो अब हो गई 72, अब 15% डिस्काउंट, तो 72 का 15%, आप चाहो तो गुणा कर लो, 720, 5 × 10 का 0, 1, 7 × 5 = 35 और 1 = 36, क्या हो गया, हाँ 0, 8, 10.8, यानी कि 72 में से 10.8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2.1, और इधर बचा 6, तो 100 की चीज थी 61.2 की मिल रही है, तो कितना रुपए कम हुआ होगा, 8, 3, इतने रुपए का डिस्काउंट मिला होगा, और यही प्रतिशत बन जाएगा, क्यों, क्योंकि जब 100 रुपए लेके चलते हैं तो रुपए ही प्रतिशत बन जाता है। इसके लिए फॉर्मूला जो है मैंने भी कराया और उस फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर रखा है, सीपी बाय एमआरपी इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, आपको याद करने में ही फायदा है, ठीक है ना, और समझा तो मैंने रखा ही है। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कब करना है ये ध्यान रखना, जब भी किसी भी क्वेश्चन में सीपी, एमआरपी, डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज, इन चार का नाम आ रहा हो तो आंख बंद करके फॉर्मूला लगा देना। सीपी आपको दे रखा है 460, एमआरपी आपको निकालना है 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट, इसे सॉल्व करेंगे देखो कैसे, 3 से 25, 3 से 40, 5 से 5, 5 से 8, 5 से 5 नहीं, 5 × 8 = 16 = 6, 9 × 45 और 1 = 46, नहीं 8 × 72 और 1 = 73, और अगर कंसेप्ट से करना चाहते हो तो भी हो जाएगा, फिर मार्क प्राइस को आप क्या मानोगे, एक्स, फिर मानोगे वो कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहे, 25%, डिस्काउंट परसेंट 25% है तो डिस्काउंट कितना होगा, अब यहां 100 मत मान लेना भूल के भी, ये मैं बार बार पहले भी बता चुका हूं चिल्ला चिल्ला के, लेकिन मेरी वीडियो को कोई नहीं देखता, वीडियो क्या देखी जाती है कि आज मैं बाजार क्यों गई, है ना, आज मैंने ऐसा क्या खाया कि मेरे ये खुश हो गए, है ना, बस ऐसी वीडियो दिखा लो तुम लोग खुश हो जाते हो, ठीक, चलो देखो, और लड़का भी ऐसी वीडियो डालेगा, आज मैंने देखी ऑल्टो 800 का नया मॉडल, ठीक, सुनना, 100 क्यों नहीं मान सकते मैंने बताया था, क्योंकि यहां पे सीपी दे रखा है पहले से, सीपी अगर 460 है तो एमआरपी 100 नहीं हो सकता, अब मैं 100 मान के भी करा दूंगा, क्योंकि कई तुरंखा करा रहे हैं, मुझे भी पता है क्या करा रहे हैं, वो 100 मान के करा रहे हैं, बाद में कोरिलेट करके कह देंगे कि 100 से इतना आया तो इतने से इतना आएगा, वो भी मैं कर सकता हूं, लेकिन इतना तामझाम पालना ही क्यों है, ठीक है ना, तो एक्स का 25%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों, सेलिंग प्राइस होता है एमआरपी माइनस डिस्काउंट, तो एक्स माइनस एक्स बाय 4, 3x/4, आपको ये बहुत लेंथी लग रहा है, हम ना इससे ये डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि 25% होता है उसका 1/4, तो किसी में से उसका 1/4 घटाएंगे तो 3/4 बचेगा, हम डायरेक्टली कर देते हैं, आप भी कर सकते हो, ये आ गया सेलिंग प्राइस आपके पास है, डिस्काउंट आप पे है, सीपी आप पे है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा दो क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा रखा है और बताया भी है कहां से आएगा, सेलिंग प्राइस 3x/4, प्रॉफिट कितना था 20, और सीपी कितना दिया है 460, इसे सॉल्व करना है, 2 जीरो से 2 जीरो किया, 3 × 12, 4 × 16, तो x बराबर 16 × 46, और देखो इसे ऐसे भी देख सकते थे, इसको इससे भी गुणा कर सकते हो, तो x बराबर 4 × 96, 4 × 16 = 6, 96, 4 × 24 क्या हो रहा है, 4 × 24 = 4, 2, हाँ गलत कर दिया, 96 थोड़ा होगा, 4 × चलो ऐसे ही कर लो यार, वैसे भी आ रहा है देखो,
चार गुना 4×16 की 86 लोगो, सॉरी 4×24 की 84 लोगो, 2×4×8 दो 10, 4×1 चार, 4×16 की 86 लोगो, 1 4×1 कहीं गलत हो गया, 1 मिनट। कैसे 3x/4 सेलिंग प्राइस 120/100 गुणा 460, 1 1 1 1 3 चौक 12 4 चौक 16 x=16 गुणा, तो 460 तो ऐसे ही आ गया, 6×36 की 86 लोगो 3, 6×24 3×27 6 3 7 सही आ रहा है। यहाँ क्या गड़बड़ हो गई, 4×24 की 4 से लो 2, 4×16 और 2×18, ओह 184 हो जाता है कभी कभी। यहाँ पे एक टर्म आती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसे कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज, इसकी एक ही प्रॉपर्टी है जो काम की है क्या कि चक्रीय चतुर्भुज के जो चारों कोण वर्टिसेस होते हैं वो सर्कल पे होते हैं, पहली बात याद रखना, और दूसरी बात कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने वाला सॉरी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोणों का योग 180 होता है। बस ये दो ही प्रॉपर्टी है, अगर ये दो प्रॉपर्टी याद कर ली तो चक्रीय चतुर्भुज आपको अलग से करना ही नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं, एक चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी, उसने कहा ए बी डायमीटर है इसीलिए मैंने थोड़ा नीचे बनाया, ए डी सी 140, ये दिया 140, बी ए सी बताओ, बी ए सी बी ओ मैंने उल्टा कर दिया ना, शिट शिट शिट, ए बी सी डी सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ए डी सी 140 है और ए बी ए सी, बी ए सी ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, तो देखो दिमाग लगाओ, ये 140 है तो ये 40 होगा, क्यों, क्योंकि आमने सामने वाले कोणों का योग कितना है 180। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, बहुत आसान है, हमने सर्कल में पढ़ी थी और मैं प्रूफ भी करा चुका हूं, दो बार प्रूफ करा चुका हूं चैप्टर में, ये केंद्र पे बना कोण ये कहीं और बना, तो देखो अगर ये 180 है क्योंकि डायमीटर तो सीधा होगा 180, तो ये इसका क्या होगा हाफ होगा, तो ये कितना हो जाएगा 90। हम पढ़ा चुके हैं कि एंगल ए इज हाफ ऑफ एंगल ओ, कम से कम दो बार तो प्रूफ करा चुका हूं चैप्टर में, ठीक है, सर्कल वाले पोर्शन में जाके देखना। चलो अब ये ट्राइंगल दिख रहा है ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में तीनों कोणों का योग 180, 9×4 13, तो ये कितना हो जाएगा 50, मैंने कहा था अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, इसमें बस याद रखना है अप स्ट्रीम में स्पीड होती है x-y, डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है x+y, और याद रखना होता है आपको x हमेशा स्पीड होती है तो बोट की या स्विमर की, और वाई हमेशा होती है रिवर की, बस इतना जिसको पता वो काम कर जाएगा बिना कंसेप्ट के भी। चलो 30 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम किया, 24 किलोमीटर सॉरी 3 डाउन और 24 अप, इतने समय में तो टाइम ऑफ अपस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम बराबर 2 घंटे 27 मिनट, और स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम कैसे निकलेगा, इसे कर दो 3×27 3×20 20×40 40×49/20। दूसरा टाइम ऑफ अपस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम इस बार कितना है 74 मिनट,
ठीक है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम कितनी है 8, स्पीड एक्स माइनस वाई, डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना है 20, डिस्टेंस स्पीड एक्स प्लस वाई। अब आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, यू विल गेट द आंसर फॉर एक्स एंड वाई। वो क्या पूछ रहा है, बोट की स्पीड, और मैंने कहा था बोट क्या होता है एक्स, और आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। अगर किसी को ये इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत है तो भी बता सकता है, हम उसको भी सॉल्व करना सिखा देंगे, ठीक है ना। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, धन्यवाद।